अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से राम राम। काफी टाइम बाद आपके दोबारा सामने हाजिर हुआ हूँ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे भाई कहाँ हो, आजकल वीडियो नहीं आ रही, 13-14 दिन हो गए। तो बात ये है भाई कि मैं थोड़ा सा लाइफ में, फैमिली में बिजी था। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये जब एम्प्लॉय कम होते हैं और सिस्टम थोड़ा छोटा होता है तो बंदे के पास टाइम निकल जाता है, लेकिन जब एम्प्लॉय ज़्यादा होने लगते हैं और कंपनियों की डिमांड ज़्यादा आने लगती है हायरिंग की और ये चीज़ों की, तो थोड़ा सा बंदा बिजी हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं 5-6 दिन से सोच रहा था कि आज वीडियो शूट करूँ, आज वीडियो डालूँ लोगों के लिए, आज वीडियो मिल लूँ लोगों से, लेकिन पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। तो आज भी ऑफिस क्लोज होने के बाद, पूरा स्टाफ जाने के बाद, मैंने सोचा चल यार थोड़ी सी कर ही ली जाए बात। तो बात यह है कि बात कोई ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, और कहावत है कि जो जेन्युइन बंदा होता है वो मार्केट में लगातार चलता रहता है। मैं ये चीज नहीं कि छोटी छोटी चीज को लॉन्ग करके बताऊं या फिर उसका नाम लूं, इसका लूं, उसका करूं। मुझे भाई अपने कामों से फुर्सत नहीं, मैं दूसरों के टट्टे जब छाटू, दूसरों के बंदों की बातें जब देखूं कि दूसरा क्या कर रहे हैं, जो फालतू और जिसके पास काम नहीं होता वो दूसरी चीजों में घुसा रहता है, जिसको खुद नॉलेज नहीं होती। अभी कुछ चीजें मैंने क्लियर करनी है, इसमें कुछ वैकेंसी आपके सामने ले गया हूँ। प्लेसमेंट हमने बिल्कुल कम कर दिया है अदर कंपनियों के लिए, लेकिन अभी एक आज फाइनल मीटिंग हुई, वो काफी कहने लगे कि भाई इतनी मोटी डिमांड हमारी कोई पूरी नहीं कर सकता, ऊपर से आप इंडियन हैं और हमें नॉन मुस्लिम ज्यादा लड़के चाहिए और इंडियन लड़के चाहिए। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा चलो, फिर जब वो कहने लगे तो हम कह लेते चलो कर लेते हैं, जब कर लेते हैं तो फिर आप हैं। तो इसमें वैकेंसियों में जो रहेगा, वेटर का रहेगा काम, इंडोर हेल्पर का रहेगा और क्लीनर का रहेगा, ये कैटेगरी नहीं। और चौथी जो अपने हायरिंग करते रहते हैं बाइक राइडर्स की, बाइक राइडर्स का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। कुछ लड़कों का भी 15-20 दिन 25 दिन थोड़ा लेट हुआ है काम, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज कर दिया कि कंपनी की जो WPS है, जो पहले 3 मंथ में एक WPS का मतलब समझते होंगे लड़कों की सैलरी ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट की नजरों में एक होता है सैलरी कार्ड, जिस तरह की हमारे पास ये पड़े हैं कुछ, आज ही हमारे पास 54 बंदों के सैलरी कार्ड आए हैं जिनके हमने अप्लाई किए हुए थे। तो कुछ ये हैं सैलरी कार्ड, मैं खोल कर दिखा दूँ तो किस तरह का होता है, क्योंकि मैं जो आपको पता है जो बात करता हूँ ओपनली और विद प्रूफ करता हूँ। और इसमें मैंने आपका, मैंने कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि मुझे भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसे ऐसे बात है, ये चीज़ें सच होती है कि नहीं। तो मैंने कहा भाई वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो पता नहीं बेचारा इसका सैलरी कार्ड होगा, बेचारा बोलेगा कि मेरे हाथ में आने से पहले ही खोल दिया मुझे भाई। ये इस तरह के सैलरी कार्ड होते हैं कंपनी के, जिनको हम अपने शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं सी कार्ड। ये इस तरह के कार्ड होते हैं। इसमें ये किसका है, रिजवान अफजल का है ये लड़के का, कोई होगा पाकिस्तानी लड़का ऐसा है। तो अब ये चीज क्या होती है कि एक सैलरी होती है कि जो हम लड़कों को दे रहे होते हैं कमेंट के साथ, एक होता है एग्रीमेंट में सैलरी क्या होती है लिखी। अब इसमें क्या होता है कि हमने एग्रीमेंट में लिख दी 2,000-2,500 सैलरी, लेकिन लड़का कमा रहा है कमीशन बेस में 4,000-5,000, तो वो उसको हम कैश दे रहे होते हैं 4,000-5,000। तो उसकी जो 2,000-2,500 कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है वो सी कार्ड में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और वही चीज हमने गवर्नमेंट की नजरों में दिखानी होती है। एक बंदा बोला कि भाई ऐसे ऐसे होता है सैलरी कार्ड और WPS, पता नहीं क्या क्या मेरी समझ नहीं आया, वो कुछ कुछ बोल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी अपने तरीके से चलती है, आप ये नहीं कर सकते कि आप कंपनी के ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अगर आप, आपको कोई ये ज्ञान दे रहा है बिना मतलब कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सैलरी है और ये चीज है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बाद में चेंज भी कर सकती है, आपकी जरूरत भी नहीं, सब काम हो जाते हैं। ये नहीं है कि भाई अभी किसी ने कह दिया कि भाई 2,500 सैलरी दे रही तो कंपनी में क्लेम कर दे, भाई तुम्हें 2,500 सैलरी कैश नहीं मिली ना, लेकिन कंपनी बेवकूफ नहीं है, वो कंपनी गवर्नमेंट की नजर, एक अलग तरह मैंने बताया ना, दो तरीके से सैलरी चल रही होती है, एक लड़के को दी जा रही होती है, एक गवर्नमेंट की नजरों में अपडेट कराई जा रही होती है। तो कंपनी हर महीने वो दिखा रही होती है आपको, सैलरी मिलने से पहले वो अपडेट हो रही होती है। तो अगर आप ये सोचे कि आप कंपनी से एडवांस हैं या किसी बेवकूफ की बातों में आके आप कंपनी के ऊपर क्लेम कर दें, ब्लेम कर दें, तो उसमें करियर और नुकसान आपका है उसका नहीं है, उसने तो ज्ञान देना था, ज्ञान चोदना था, वो चोद चुका ज्ञान, नुकसान
उस बंदे को झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि जो कंपनी मार्केट में चल रही है और काफी टाइम से चल रही है, जिसके पास काफी एम्प्लॉई है, तो उसको पता होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या लोग कर सकते हैं। तो ये भाई अपनी कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं उनके साथ वफादार रहें, ताकि कंपनी आपके साथ वफादार रहे और किसी की बातों में ना आया करें कि वो ये कह रहा है, वो कोई ऐसा कह रहा है, और ये चीजें होती रहती हैं। चलो ये ज्यादा नहीं है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में लेबर बैन से लेके इमिग्रेशन बैन होता है, कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा होता, कंपनी एक एम्प्लॉई खोने के बाद वो दूसरा बंदा जो सोचता है कि भाई मैं किसी की बातों में आके ये चीज कर दूं, तो वो अपना लाइफ खराब कर चुका होता है। वो पासपोर्ट उसके सिर्फ वापस जाने के बाद सिम खरीदने का लायक रह जाता है, लाइफ टाइम खराब हो जाता है उसका, पूरा करियर खत्म हो जाता है अगर कंपनी अपना एक्शन ले। तो इसके अलावा कुछ चाहिए होगा कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अभी वेटर की बात कर लेते हैं। वेटर हमें जो चाहिए वो हमें 25 से 30 लड़के चाहिए, 1000 से 1200 ग्राम सैलरी रहेगी और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल प्लस फूड रहेगा। अगर वो वेटर किसी रेस्टोरेंट में लगता है तो ये सैलरी मिलेगी, अगर कैफेटेरिया में लगता है जैसे KFC के हो गए, कुछ ब्रांडेड कैफेटेरिया सेफू हो गए, कुछ इस तरह के बहुत से कैफेटेरिया होते हैं, उसमें लगता है तो 1300 तक सैलरी रहेगी, 1300-1400 तक, क्योंकि उसमें फूड नहीं मिलता, उसमें कॉफी वगैरह ये चीजें होती है, तो वो तो मेरे लिए पीने के लिए कोई नहीं पाबंदी, वो आप जितनी चाहे, लेकिन फूड नहीं होता उसमें, क्योंकि वहाँ फूड नहीं बन रहा होता, तो वहाँ सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा। हेल्पर कैटेगरी में क्या है कि हेल्पर में कोई आपको कहे कि 1400 दिला दूंगा, 1500 दिला दूंगा, 2000 दिला दूंगा, मैं आपको पहली बार वीडियो उठा के देखा, मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूँ भाई, मार्केट में सैलरी प्राइस जो है मैं वही आपको बता रहा हूँ, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हेल्पर जो कैटेगरी है, अब कुछ लोग बोलते जी हेल्पर का काम क्या होगा, भाई अगर आपने अपनी कंट्री में हेल्पर की नौकरी की होगी तो आपको पता होगा हेल्पर का क्या काम होता है। हेल्पर का ऐसा नहीं है कि भाई ये काम है यही करना है, आप कोई कारीगर नहीं है या आपको इलेक्ट्रीशियन है कि इलेक्ट्रीशियन का काम करना है। हेल्पर का मतलब है कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कुछ भी काम, कोई भी खाली काम होगा वो करना है, हर डिपार्टमेंट में जहां पे हेल्पर की जरूरत होगी वो काम करना है। उसमें 1000 से 1200 ग्राम सैलरी होती है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल प्लस ओवर टाइम रहता है, 8 से 10 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, ये चीजें चल रही होती है इस तरह की। हर कंपनी का अपना अपना थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं 12 घंटे ड्यूटी होती है, जहाँ 12 घंटे ड्यूटी होती है वहाँ फूड मिलता है ओवर टाइम की जगह, अगर किसी कंपनी में फूड नहीं मिल रहा तो ओवर टाइम देंगे, अगर कोई कंपनी ओवर टाइम नहीं दे रही तो फूड देती है, घूम फिर के वो कहता है ना कान किधर से पकड़े आना उधर ही है। और क्लीनर, क्लीनर की सैलरी जो है वो 900 से स्टार्ट होती है, 950, 1000, 1100 तक जाती है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल कंपनी की तरफ से सब चीजें रहती है, ओवर टाइम भी रहता है, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी ओवर टाइम देगी तो फूड नहीं देगी। और कुछ वो लड़कों को समझता है सर फूड का खर्चा कितना आ जाता है, भाई अगर आप अपना मंथली टिफिन बनवाते हैं ना 250 से 300 ग्राम में आपका मंथली का टिफिन बन जाता है, 2 टाइम का, सुबह और शाम का खाना आता है उसमें, नाइट का, ठीक है, ये चीज हो गई। रूम का खर्चे कितने आते हैं भाई, अगर आप कैसे भी अगर आप उन्हें अच्छे हैं आपके पास बजट है तो 5-5 स्टार में रूम ले लीजिए, अगर आप लेबर के काम के लिए आए हैं तो आपको लेबर की तरह जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसमें एक रूम में 6 लड़के भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 3 कैटेगरी के रूम होते हैं, 6 बेड स्पेस से लेके 8 तक और फिर 12 तक उसका अलग अलग रेंट होता है, 300 भी है एरिया के हिसाब से, कि मेट्रो स्टेशन नजदीक है तो थोड़ा महंगा है, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा दूर है थोड़ा सस्ता है, 300 ग्राम पर बेड के हिसाब से 500 तक चला जाता है। कोई अच्छी एकोमोडेशन है, कोई साफ सुथरा है सारा कुछ, अगर कोई ओनर आपको रूम दे रहा है उसमें 6 लड़के रह रहे हैं और वो साफ सफाई हर रोज हो रही है तो वो साफ सफाई का भी थोड़ा प्लस रख के महंगा करेगा, तो ये चीजें होती हैं। ये 3 कैटेगरी है हमारे पास, ये वो कैटेगरी है जिसमें आप आ सकते हैं, व्हाइट कॉलर में हम कभी डील करते नहीं है, व्हाइट कॉलर का पैकेज अगर आपको चाहना तो मैं आपको जिस तरह पहले बता दूं, व्हाइट कॉलर में कोई आपको जॉब करा ही नहीं सकता, कोई एजेंट नहीं करा सकता, वो आपका खुद का लक है, वो आपके खुद की मेहनत है, वो आपके खुद के अंदर आपकी काबिलियत है। अगर किसी को अकाउंटेंट चाहिए तो आप में काबिलियत होनी चाहिए, तो आप अपने ओनर को अगर एग्री कर सकते हैं जी मैं आपकी कंपनी का अकाउंट संभाल सकता हूं, तो जब जिसको आप सिफारिश पर, मैं किसी अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो मैं कोई भी सिफारिश करे भाई मैं अपना अकाउंट उसके हाथ में थोड़ी ना दूंगा किसी नए बंदे को, आप कहें कि भाई मैं सीख जाऊंगा तो भाई कोई कंपनी आपको सिखाने का पैसा नहीं देती, वो आपसे काम लेने का पैसा दे रही है आपको, तो ये चीजें होती हैं। और एक सबर, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं चाहे दुबई हो कनाडा हो कोई भी कंट्री हो, तो सबर होना जरूरी है, हौसले जिस दिन आपने हारे तो आपका पैसा भी वेस्ट, हिम्मत भी खत्म, और पता नहीं फिर आपने क्या क्या कहते हैं लोग, तो हौसले रखा करें, एक चीज माइंड में रख के आए, कुछ भी हो जाए वापस नहीं आऊंगा, घर वालों को बोल दें कि भाई आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा,
एक कुछ छोटी छोटी चीजें मेरे सामने है कि जब आप अपनी फैमिली से दूर आते हैं तो यहाँ आने के बाद थोड़े कहीं पे गमोरी हो गई, दाने निकल गया पानी का, उसकी फोटो खींच के अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, ठीक है आज मैंने खाना नहीं खाया सुबह से मम्मी, मतलब मम्मी डैडी के जो सोना मोना होते हैं इस तरह के बच्चे, तो भाई वो बंदे यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। कोई कितना भी पत्थर दिल माँ बाप हो वो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकता, और अगर आप यहाँ तकलीफ में और वो तकलीफ अपने फैमिली माँ बाप को शेयर करेंगे तो वो खुद कहेंगे कि बेटा आ जा, क्योंकि वो आपकी तकलीफ नहीं देख सकता। अगर आप यहाँ वो तकलीफ झेल रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री का क्या है, परदेशियों का मतलब क्या है, यही होता है भाई, हम तकलीफ में रहकर, हम तकलीफ झेल कर अपनी फैमिली को खुशियां दे रहे हैं। कहते ना कि बाहर परदेशी जो बंदा होता है वो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली से दूर रहता है कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, और वो खुद उस घर में नहीं रह पाता। कहते हैं कि भाई वो पूरी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के शौक पूरे करने के लिए, वो अपने खुद के शौक मार रहा होता है, तो वो सिर्फ आपके लिए जी रहा है, जो आपके लिए फैमिली का कैंडिडेट या कोई बंदा बाहर है, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए बाहर आए तो आप उनके लिए जीना है, या तो आप आउट ऑफ कंट्री ना जाए अगर आपको अपनी अपनी लाइफ जीनी है, और अगर अपनी फ्यूचर सेट करके अपनी फैमिली की लाइफ सेट करनी है तो आपको अपनी लाइफ कुर्बान करनी होगी। दुआ में याद रखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, वैसे बहुत ज्यादा हो गई है, और कुछ क्वेश्चन हुआ करें तो कमेंट कर दिया करें, कुछ नॉलेज लेनी हो तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में शेयर कर सकूं क्या हो सकता है, क्या प्रॉफिट है, क्या ऐसा कोई चीज है जो आपको समझनी है दुबई के बारे में, या ऐसी कुछ चीज है जो आपको किसी ने गाइड की हो वो सच है या नहीं है, आपने किसी भी उठाई गिरे की भी। मैं देखता हूँ कि किसी के पास कुछ कोई बंदा ऐसा है कि कोई खुद किसी लायक नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो दूसरे की पूरा जजमेंट दे रहा होता है, भाई ऐसे कर, ऐसे हो सकता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये होता है, वो होता है। कहते हैं कि जिस कंट्री का खा रहे हो उस कंट्री की बुराई नहीं करनी चाहिए, और ये आदत मैंने ज्यादातर अपने जो लोग हैं पंजाबी लोग, इंडिया पाकिस्तान के जो पंजाबियों में अच्छी आदत देखी है मैंने कि वो जिस कंट्री में भी रह रहे हो उस कंट्री की बुराई नहीं करते, चाहे उस कंट्री में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि वहां से उनका घर चल रहा है। दुआ में याद रखें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।